की हेडलाइंस। भाजपा नेता के साथ मारपीट के मामले में पकड़ा तूल। महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 21 दिसंबर तक चलेगी। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर में भाजपा नगर अध्यक्ष के साथ मारपीट के मामले में अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। सिविल लाइन थाने में बंद कंपनी क्षेत्र बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सुरेंद्र ठाकुर पर हमले की कहानी मनगढ़ंत है, जबकि सच्चाई कुछ और है। उनका दावा था कि उनके पास मौजूद वीडियो साबित कर देगा कि पुलिस कार्रवाई गलत दिशा में है। बड़ी बंद कंपनी है मेन गेट के पास, क्या बोलता है, चढ़ैया में लोग ड्रिंक कर रहे थे। भाजपा नगर अध्यक्ष के छोटे भाई हैं, सुरेंद्र ठाकुर नाम है इनका, ये भी ड्रिंक कर रहे थे। और हमारे यहाँ के जो मतलब मोहल्ले के कुछ मतलब बड़े बड़े लड़के थे वो भी थे वहाँ पे, लेकिन सब अलग अलग कर रहे थे। फिर उनके बीच में पता नहीं क्या विवाद हुआ है, तो जो वो लड़का था जिसको लोगों ने मारे, जिसके ऊपर बाइक पटक दी है, तो उसका सर फट गया था, पूरे खून में मतलब फर्श में खून पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो भी हमारे पास थी, वो हमने सब दिखा दिए हैं, यहाँ थाने में सबको दिखा दिए हैं। उस लड़के के ऊपर बाइक पटक के तीन लोग थे, जिसमें से एक लड़का और उसके पास एक पिस्टल मिली है, और उसने अपनी बाइक छोड़ के भागा है। जब हमारा पूरा मोहल्ला निकला है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो पहले वहीं रोड पर रहता था, फिर जब नगर निगम वालों ने घर तोड़ दिया तो वो कांच घर शिफ्ट हो गया था। वो लड़का था, पहचान का था, इसलिए सब मोहल्ले वाले इकट्ठा गए उसको बचाने के लिए। तो उसने क्या करा है, वो दौड़ के भागा है रोड साइड, और फिर उसको पता नहीं किसने मारा है और उसने क्या करा है, उसने जो मतलब उनके अध्यक्ष नगर अध्यक्ष जो भी हैं यहाँ इसलिए आए, क्योंकि अगर आपसे उनसे पूछताछ हो गई हो, इनकी ना कोई लिखा पड़ी हुई है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया लोग अभी तक। निष्पक्ष जांच की मांग। हाँ, निष्पक्ष जांच। किस क्षेत्र का मामला है ये? काजघर बंद कंपनी, बजरंग कॉलोनी के जस्ट बाजू में है। चन्ना कंपनी के कॉलोनी वासी हैं। अभी दुर्गापुर में घटना हुई थी जहाँ दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी, तो उस पर शिकायत करता आए थे कि वहाँ अन्य लोगों का आना जाना रहता है, जिस तक पुलिस लोग थाम कर कि अनावश्यक लोग ना रहे, और साथ ही साथ कॉलोनी के लोग दारू को लेकर के तो उन पर नियंत्रण बनाने हेतु थोड़ी पेट्रोलिंग। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में विश्वविद्यालय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। 16 दिसंबर से आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता 21 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा के साथ 38 टीम शिरकत कर रही हैं। इस बड़े टूर्नामेंट के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही करीब 700 खिलाड़ियों, उनके कोच समेत सारे स्टाफ के लिए गेस्ट हाउस और विश्वविद्यालय के खाली मकानों में रुकने की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा इवेंट है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से हमारा जो शारीरिक शिक्षण विभाग है उसके डायरेक्टर प्रोफेसर के यादव साहब को, विशाल बन्ने साहब को बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को आप लोगों के प्रयासों से मिला है। 38 टीम आ रही हैं, 5 दिन का जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया ये प्रोग्राम है। जितने भी बच्चियां आ रही हैं उनके कोचेस आ रहे हैं, मैनेजर्स आ रहे हैं, उनके आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था सब विधिवत कर दी गई है, जैसी डिमांड विभाग के द्वारा की गई थी, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। जबलपुर की गरिमा और विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुसार ये सारी व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग बाहर से आएँ वो मन लगा के खेलें भी और पूरे टूर्नामेंट को एंजॉय करें। विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीन फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व मिला है। यह प्रतियोगिता अभी सोमवार 16 तारीख से 21 तारीख तक आयोजित की जाएगी, जिसमें पश्चिम क्षेत्र की राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की टीमें 38 टीमें भाग लेंगी। प्रत्येक टीम में 20 खिलाड़ी खेलते हैं। पिछले साल की विजेता गोवा खेलेगी, पिछले साल की रनर्स अप LNIP खेलेगी, पूना की टीमें खेलेंगी, और जी 700 खिलाड़ी, हाँ करीबन 700 खिलाड़ी लगभग इसमें भाग लेंगे, और 80 के करीब मैनेजर कोचेज उसमें होंगे। कहाँ कहाँ मैच होगा? ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय फुटबॉल मैदान पर मैच आयोजित किए जाएंगे और शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पर मैच आयोजित किए जाएंगे मैदान पर। दो पाली में मैच होंगे, सुबह और दोपहर के बाद शाम को। टीमों को यहीं विश्वविद्यालय परिसर में ठहराया गया है।